मिथिलेश इधर आओ, इधर आओ। बस शाम को स्टाफ एकदम अलग सीआरपीएफ के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि आज जम्मू में आरंभ होने वाले साइकिल रैली का शुभारंभ माननीय उपराज्यपाल महोदय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू कश्मीर जोन श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आईजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री पीएस रणपिसे जी, जम्मू के डीजीपी श्री मुकेश सिंह जी, यहां के डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर जी, श्री डीएस नेगी आईजी सीआरपीएफ श्री भानु प्रताप सिंह जी डीआईजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सभी अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी एवं बहादुर जवानों, उनके सभी परिजन, साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे सभी मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव देश में एक नया प्राण फूंक रहा है, नया जीवन दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आपसी भाईचारे को मजबूत कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में सीआरपीएफ ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं आज भी जितने 75 साल पहले थे। सामाजिक आर्थिक विकास, आतंकवाद, विश्व शांति, शैक्षिक चिंतन या जीवन के हर एक पहलू को महात्मा गांधी जी ने एक नया दृष्टिकोण दिया था। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि गांधी जी जिस प्रकार के व्यक्तित्व और समाज का निर्माण करना चाहते, क्या वैसा संभव हो पाया? सामुदायिक विकास एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच जिस प्रेम और मोहब्बत की और सम्मान की संकल्पना बापू ने की थी, क्या वो हम पूरा कर पाए? आजादी का अमृत महोत्सव हमें पीछे मुड़कर इन सब बातों पर आत्मचिंतन करने का एक अवसर देता है।
ये हमारे जम्मू कश्मीर का मूल मंत्र है, जिसमें विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें समृद्धि के सभी लाभ पहुंचाने। मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से आग्रह किया था कि 25 साल बाद जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, उस वक्त इस यूनियन टेरिटरी का विकास किस तरह से होगा, उसकी तैयारी अभी से करने की जरूरत है, अभी से उसकी योजना बनाने की आवश्यकता। साथियों, जिस दिन आपकी साइकिल रैली दिल्ली पहुंचेगी, उस दिन एक और बड़े व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी असाधारण थी। मैं उनके दो शब्द उद्धृत करना चाहूंगा। कहा था शास्त्री जी ने, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। हम और आप रहें या न रहें, लेकिन भारत का सिर सदैव ऊंचा रहेगा। उनके सम्मान में उन्हीं की कही दोहराई में आप सभी को बताना चाहूंगा। खुदा जाने ये किसकी जलवा गाहे नाज है दुनिया, हजारों जा चुके लेकिन वही रंगत महफिल की, वही रंगत महफिल की। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि शास्त्री जी भारत धर्म के अवतार थे, और युद्ध के समय उन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई, उसी दृढ़ता के साथ उन्होंने शांति की भी पहल की। आज संयोग एक शुभ संयोग है कि आज महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी जन्मतिथि। मित्रों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी हमेशा राष्ट्र की सेवा में इसी सिद्धांत के साथ काम किया है। मुझे नहीं लगता ऐसा अनुपम उदाहरण सुरक्षा एजेंसियों के इतिहास में कहीं और ढूंढने से मिलेगा। जुलाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने स्थापना के 83 साल पूरे किए, और इन 83 सालों के समृद्ध विरासत में पराक्रम और कुर्बानियों की अनगिनत कहानियां। मैं उन तमाम बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर को बरकरार रखने में अपनी कुर्बानी दी है, उनको मैं नमन करता हूं। आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए स्थानों घने जंगलों में कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप लोग देश के ऊपर आने वाले खतरों का डटकर मुकाबला करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुरों ने जिस शिद्दत के साथ त्याग किया है, उसी भावना के साथ शांति के लिए भी हमेशा वो आगे रहे। मित्रों, मैं मानता हूं इस साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जो 149 बहादुरी के मेडल्स मिले हैं, वो आपके त्याग और समर्पण के सर्वोत्तम उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उन बहादुर जवानों से प्रेरणा लेकर सभी लोग देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे। अभी एडीजी रश्मि शुक्ला जी ने बताया कि जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों के आंतरिक सुरक्षा के अलावा महत्वपूर्ण स्थानों को भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जम्मू सेक्टर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी नजर रखनी है, बल्कि हमारी एकता और स्वाधीनता से खिलवाड़ करने वालों को सबक भी सिखाना है। आपके असाधारण पराक्रम पर हम सबको पूरा भरोसा है। साइकिल रैली के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये 810 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए ऊर्जा और मानव दर्शन का नया संदेश देगी। इसी कामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक कैमरा आ रहा है तेरा, जहाँ फ्लैग आप दिखना चाहिए इस तरह। थोड़ा नीचे।